Welcome and welcome back to my channel. My name is Sheetal. In today's video, I'm gonna do my bridal transformation video. So, मेरे को ना बहुत ज़्यादा मन था अपने बालों में hair color करवाने का, like global hair color. And I really want to go with a mahogany red and not a proper red, like maroon और थोड़ा deeper red होता है ना उसमें जाने का. So let's see क्या होता है. अभी ना मेरी जो hairs की condition है बहुत ही बेकार हो रखी है. लाइक लॉन्ग तो मेरे हेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा एकदम प्रॉपर कहते हैं ना, नीचे से स्ट्रेट एंड्स हो रखे हैं, बहुत ज्यादा बेकार हो रखे हैं. एंड मैंने ना बहुत सालों से अपने हेयर को कट नहीं करवाया, लाइक खुद ही ट्रिम कर लेती थी थोड़ा बहुत, या भाभी से, मम्मी से, किसी से हेल्प लेके करवा लेती थी, लेकिन मैंने आज तक खुद नहीं करा है. So, आज मैं करने वाली हूँ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हेयर्स का. एंड लेट्स सी क्या होता है. अभी जो मेरी हेयर है उसकी लेंथ काफी लंबी है, बट मेरे को क्या करना है कि पहले हेयर कट करवाना है, तो वो मैं फेस फ्रेमिंग के थ्रू ही करवाऊंगी. जैसे मैं उनसे बोल दूंगी मेरे फेस के अकॉर्डिंग फ्रेम करके कर देंगे. एंड ज्यादा कट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जो फर्दर फंक्शन होते हैं ना वेडिंग्स के, उसमें लंबे हेयर ही अच्छे लगते हैं. तो नीचे से तो उतनी ही लेंथ रहेगी, लेकिन आगे से फेस फ्रेमिंग रहेगी एंड हेयर कलर रहेगा. बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगी, लाइक स्मूदनिंग वगैरह वो आफ्टर मैरिड कर लूंगी. बिकॉज क्या है कि हेयर स्टाइल जब करते हैं ना, स्मूदनिंग वगैरह करवाएंगे तो वो प्रॉपर अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो लगता है, स्प्रे वगैरह लगाना पड़ता है. क्योंकि स्मूथनिंग, कैरेटिन ये सब करवा लूंगी तो एकदम स्ट्रेट ही रहेंगे वो. तो दैट्स व्हाई मैं सोच रही हूँ कि अब चलते हैं. मैं जा रही हूँ स्पेक्ट्रम मॉल. आपने देखी होगी मेरी स्पेक्ट्रम मॉल की वीडियो, वहाँ पे ना बहुत सारे सलून्स हैं एंड काफी अच्छे अच्छे हैं. तो वहाँ जाके मैं किसी सलून में जाके पहले उनसे कंसल्ट करूंगी कि भाई मेरे को इस टाइप के हेयर कलर चाहिए, लाइक प्रॉपर. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, मैंने पिंटरेस्ट से निकाली, इतनी सारी पिक्चर है. एक है चेरी ब्राउन और काइंड ऑफ थिंग महोगनी, चेरी ब्राउन में ही चाहिए मुझे कुछ. एंड आई थिंक वो मेरी स्किन टोन पे भी अच्छी लगेगी. लेट्स सी क्या होता है. तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मेरा बिफोर हेयर का, एंड आफ्टर आप लोग ना बाद में प्रोसेस पूरा देखना एंड बताना कैसा लग रहा है. आई थिंक गोना बी लुक बॉम. लेट्स गो. रीच स्पेक्ट्रम मॉल बाय मेट्रो. इफ यू वॉन्ट टू कम स्पेक्ट्रम मॉल, आपको नियर बाई मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 50 नोएडा, एंड ये सबसे नियर बाई है सेक्टर 50 मेट्रो से दिख जाएगा. जाके मैंने थोड़ा सा सॉफ्टी खाया एंड देन मैंने अपना हेयर कलर चूज करा. इसके बाद देखो ये है बिफोर मेरा हेयर, जो की बहुत ही बेकार लग रहा था एंड इट लुक रियली वियर्ड. पीछे से ना पूरा फ्रीजी फ्रीजी हो रहा है, सब कुछ बेकार बेकार सा हो रहा है. सबसे पहले इन लोगों ने ना मेरा हेयर वॉश करा, एंड काफी अच्छा प्रोसेस था. पहले हेयर वॉश करा, देन हेयर कलर करा. सो मेरे को नहीं पता कौन सा कलर करा है, क्या करा है, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, बट मैंने उनसे बोल दिया था भैया अमोनिया फ्री. काफी अच्छे से करा सब कुछ. सो आई लाइक द प्रोसेस, बिकॉज हैटिक भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं पहुंची थी 12 बजे एंड 3 से 4 घंटे हर एक प्रोसेस में लग जाते हैं जितना मुझे पता है. सो देन हेयर वॉश करके इन लोगों ने ना मेरे हेयर्स को ड्राई करा अच्छे से, क्योंकि कलर करना था. काफी अच्छे से ड्राई करा, दो लोग मिलके काम कर रहे थे इसलिए हो गया. और मेरी जो हेयर की लेंथ थी ना काफी लंबी थी, उसमें ना टाइम तो लगना ही था. देन हेयर ड्राई करने के बाद बाल ना जैसे ब्लो ड्राई करते हैं ना उस टाइम लगते हैं, वैसे लग रहे थे. एग्जैक्ट मेरे कलर में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन एंड रिजल्ट ना यू गाइज मस्ट वॉच दिस, बिकॉज बहुत ज्यादा मजेदार आया है जो मैंने कलर करवाया है. मेरी ना इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई इतना अच्छा हो जाएगा, बट स्टिल कलर लुक नाइस ऑन मी. एंड आफ्टर दैट उन्होंने अप्लाई करा बहुत सारा कलर एंड उसे थोड़ी देर के लिए रखा. इसके बाद रीटच करा, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ग्रे हेयर्स थे एंड ग्लोबल कलर करा रही थी. दो प्रोसेस से होता है, आई थिंक बलियान है, आई डोंट नो नाम मेरे को नहीं पता, एक और प्रोसेस है. तो मैंने नॉर्मल वाले प्रोसेस से ही करवाया, क्योंकि मुझे सेम कलर चाहिए था पूरे बालों में ग्लोबल, एंड कुछ भी फालतू ड्रामा नहीं चाहिए था.
गया एंड काफी अच्छे से हो गया सारा कुछ। तो आप फाइनल रिजल्ट जरूर देखना एंड यू गाइज एंजॉय द प्रोसेस। इसके बाद एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा मजेदार है। सबसे ज्यादा हैक्टिक टाइम यही वाला लगता है जो बहुत ज्यादा देर वेट करना पड़ता है, जब आपका हेयर कलर सूखना होता है ना, थोड़ा सा ड्राई होना होता है, सबसे ज्यादा हैक्टिक लगता है वो। इसके बाद हेयर वॉश होता है, जब आपका कलर हो जाता है उसके बाद उन्होंने हेयर वॉश करा एंड हेयर वॉश भी अच्छे से हो गया था। बाद में जब हेयर वॉश करा था ना, मुझे लगा मेरे तो कलर में कुछ बालों में कुछ कलर आया ही नहीं है, लेकिन बाद में देखा जब उन्होंने ड्रायर से उसे ड्राई करा एंड पूरे अच्छे से ब्लो ड्राई करने के बाद पूरे अच्छे से स्टाइलिंग करी, देन कलर बहुत ज्यादा अमेजिंग आया था। सो आप लोग देखिए पूरा कैसा लग रहा है। बताओ मेरे वो कलर कैसा लग रहा है मेरा? मैं तो नहीं जानना, हरे पीले लाल गुलाबी करके आई, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। पक्का? पक्का, नेचुरल करा है ना? हाँ। ठीक है, और तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, एकदम सिल्की और ब्राउन कलर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, चेरी ब्राउन है, मतलब थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर है, लाइट पड़ती है तब लगता है, और लाइट में तो बहुत ही क्यूट लगता है। ठीक है। आई एम बैक आफ्टर 2 days एंड लुक एट द बैकग्राउंड मैस, प्लीज इग्नोर इट बिकॉज यू नो गाइस शादी वाला घर है तो थोड़ा बहुत मैस तो रहेगा ही। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइक मैंने जो हेयर कलर ऑलरेडी पूरे ग्लोबल हेयर कलर करवा लिया है एंड लुक एट माय हेयर, इट लुक नाइस। मैं बताती हूँ हो क्या रहा है एक्चुअली कि मैं जब धूप में दोपहर में जब लाइट पड़ती है ना, सन रेज पड़ती है यहाँ पे, तो मेरा हेयर का कलर कुछ और रिफ्लेक्ट करता है, येलो लाइट में कुछ और रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट लाइट में कुछ और, तो ऐसा वाला हो रहा है। लेकिन मैंने जो कराया वो चेरी ब्राउन कलर कराया है, यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी ऑलरेडी आप लोगों ने। जो आफ्टर स्टाइलिंग जब मेरा स्टाइलिंग हुआ था हेयर कलर होने के बाद, तो मेरे हेयर्स ना इतने प्यारे लग रहे थे। बट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को हेयर कटिंग भी करानी थी, तो मैंने सोचा था कि फेस फ्रेमिंग कराऊंगी, उसके साथ मैं क्या करूंगी कि पीछे से स्ट्रेट करवा दूंगी। बट वहां पे जो स्टाइलिस्ट थे उन्होंने बोला कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड तो आपको ना लॉन्ग हेयर रखना चाहिए, फेस फ्रेमिंग मत कराओ, वो बाद में करा लेना, क्योंकि आपके स्टाइलिंग होगी उससे प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप यहाँ से छोटे छोटे करते जाओगे तो वो ना थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा ओके फाइन, तो मैंने नीचे से स्ट्रेट करवा दिया, बाकी आप नॉर्मल हेयर कलर करवाया, ग्लोबल हेयर कलर, एंड आई लव एंटायर कलर। जैसे कि इस साइड से आप लोग देख रहे हो तो ब्लैक लग रहा है क्योंकि इस साइड लाइट नहीं है, बट सामने जो सामने वाली लाइट है उसकी वजह से यहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन लगेगा। तो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइट में डिफरेंट डिफरेंट दिखता है, बाकी आप लोगों ने यहाँ पे भी देख लो ऑलरेडी देख लिया होगा, आई लव माय हेयर कलर। मेरी फैमिली का रिएक्शन भी ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, लाइक मम्मी एंड भाभी ऑल्सो लाइक इट। वो तो सोच रहे थे क्योंकि मैं उन लोगों को बोलती थी मम्मी लाल करवा लू क्या, मम्मी ब्लू कलर कितना अच्छा लग रहा है, ये सब मैं बोलती रहती थी चुड़ाने के लिए। पर्सनली आई डोंट लाइक दीज कलर्स बिकॉज पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है छपरी टाइप लगते हैं वैसे कलर करवा के, दैट्स व्हाई मेरे को ना काफी डिसेंट सा कलर करवाना था एंड आई लव माय हेयर कलर फाइनली। तो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हो सेम जगह पे जाना एंड इफ यू आर फ्रॉम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आप चाहते हो मेरे जैसा हेयर कलर हो, बजट में हो जाए, सेम जगह जाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं एड्रेस लोकेशन सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा आपके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप मेरी ब्राइट टू बी सीरीज जरूर देखना एंड यू गाइस गोना लव इट बिकॉज मैं ना बहुत ज्यादा एफर्ट डालू मेक इट माय वेडिंग सीरीज परफेक्ट लिटरली। तो बिकॉज क्या है कि मैं चाहती हूँ कि देखो एक ही बार शादी होती है तो खुश खुश होके अच्छे से वेडिंग सीरीज की एकदम अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ जो कि लाइफ लॉन्ग रहने वाली है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई
माय एंड आई एम सो हैप्पी फॉर एंटायर प्रोसेस. मुझे मजा आ रहा है, लेकिन टाइडिंग भी होता है. आप देख रहे हो कितनी टाइनिंग एंड ऑल हो रखी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जाना पड़ता है बाहर. आज कपड़े लेने जाना है, कभी कुछ जाना है, कभी कहीं जाना है. तो इस वाले के बाद शायद प्री वेडिंग शूट का आएगा, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ प्री वेडिंग शूट की प्रिपरेशन करने, अब कपड़े फाइनलाइज करने, एंड इसके बाद प्री वेडिंग शूट अभी कुछ एक ही हफ्ते बाद है, तो उस पर जाएंगे. देन उसके एक हफ्ते बाद हमारी इंगेजमेंट है, एंड देन शादी है, हल्दी मेहंदी, देन शादी, देन रिसेप्शन. सारा कुछ मिलने वाला है, सारा मसाला मिलेगा मेरी शादी का आपको इसी चैनल पर. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में. एंड मेरे को ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, वहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता मुझे, तुम भी कर लो. बाय, टेक केयर.